वर्षों से लंबित पड़ी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की डीपीआर बनाकर तैयार है। सांसद शंकर लालवानी ने प्रेस वार्ता कर इंदौर के रेजिडेंसी कोर्ट स्थित जानकारी दी। बहुप्रतीक्षित इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन को धरातल पर लाने की दिशा में अब तेजी से काम हो रहा है। सांसद शंकर लालवानी के अनुसार इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की डीपीआर यानी डिटेल्स प्रोजेक्ट तैयार हो गई है और सेंट्रल रेलवे ने इसे रेलवे रोड में प्रस्तुत किया है। सांसद शंकर लालवानी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इंदौर मनमाड़ रेल लाइन कुल 268 किलोमीटर की होगी, जिसमें से धुलिया मनमाड़ के बीच 50 किलोमीटर पर फिलहाल काम जारी है। वहीं बचे हुए 218 किलोमीटर के लिए 2200 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी। वहीं इस रूट पर 300 छोटे बड़े ब्रिज बनेंगे। इस लाइन पर नॉन टनल बनेंगी, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर से ज्यादा होगी। वहीं इस रेल मार्ग पर 34 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस ट्रैक के बनने से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 6 जिलों यानी कि इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, धुले और नासिक को काफी फायदा होगा। हमारी एक पुरानी मांग जो चली आ रही है वो है इंदौर मनमाड़ लाइन, और उसको लेके लगातार कई वर्षों से बातचीत भी हुई और आदरणीय ताई जी के समय इसमें कुछ शुरुआत भी हुई थी, लेकिन उस समय 4 एजेंसियां मिल के काम कर रही थी। एक तो मध्य प्रदेश सरकार, एक महाराष्ट्र सरकार, तीसरी रेलवे और चौथा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, पर किसी कारणवश से वो आगे नहीं बढ़ पाया। और पिछले कुछ वर्षों से हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये रेलवे लाइन होना चाहिए और उसको लेके समय समय पर जहाँ जहाँ बातचीत करना चाहिए वहाँ बातचीत हमने व्यक्तिगत रूप में भी की और सामूहिक रूप से भी सबको साथ में ले जाके सांसदों की थी। उसका परिणाम ये रखा कि जुलाई 2022 को रेल मंत्री जी ने ये आदेश निकाला कि हम इस रेलवे लाइन का सिद्धांत सहमति देते हैं और इसको परीक्षण यानी डीपीआर बनाने का उन्होंने आदेश दिया। क्योंकि मेजर पोर्शन पूरा सेंट्रल रेलवे में है तो इसलिए उन्होंने सेंट्रल रेलवे को ये आदेश दिया था 22 जुलाई 2022 को, और एक साल का समय दिया था। एक साल में ये सर्वे होके पूरा हो गया है। अभी इस शुक्रवार को इस बोर्ड, रेलवे बोर्ड में ये रिपोर्ट डीपीआर पूरी तैयार हो गई है और सबमिट भी हो गई है। 268 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन है और इसमें धूले के पास जब धूले मनमाड़ के बीच में 50 किलोमीटर का काम चल रहा है, तो अगर 50 किलोमीटर हम हटा दें क्योंकि उसमें काम प्रारंभ हो गया तो 218 किलोमीटर है। और इस 218 किलोमीटर का जो काम है उसको लेके जो उन्होंने डीपीआर तैयार किए उसमें 2200 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी इस लाइन को डालने के लिए, और उसके साथ साथ इसमें 300 छोटे बड़े ब्रिजेस रहेंगे जो इस रेलवे ट्रैक पर रहेंगे, और 7 टनल है जो कि लगभग 20 किलोमीटर लंबाई की टनल है। 34 रेलवे स्टेशन इसके बीच में बनेंगे इंदौर और मनमाड़ के बीच में, और 22,000 लगभग इसमें राशि 22,000 करोड़ की राशि लगभग खर्च होने की संभावना है। और इसमें 6 जिले जो होंगे वो प्रभावित यानी लाभान्वित होंगे, और उसमें खास करके हमारा सबसे बड़ा इंदौर, इंदौर के बाद धार, धार के बाद बड़वानी, बड़वानी के बाद खरगोन, खरगोन के बाद धूले और नासिक, ये लोग प्रभावित होंगे। इसमें एक संघर्ष समिति भी बनी थी, वो भी लगातार से प्रयास कर रही, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। अंततः जब बीच में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आए थे उस समय हमने जो स्थानीय मांग रखी थी उसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण मांग थी कि इसको जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था कि हम जल्दी इसको बोर्ड में लाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। और जब रेल मंत्री जी जब यहाँ इंदौर आए थे, जब इंदौर रेलवे स्टेशन का दौरा कर रहे थे, तो उस समय भी हमने प्रमुखता से यही बात उठाई थी कि हमको इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन की आवश्यकता है, इसको होना चाहिए। तो उन्होंने उसी समय रेलवे स्टेशन से अधिकारी को फ़ोन किया था और निर्देश दिए कि 2 दिन में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2 दिन में रेलवे बोर्ड में ये रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है। अब तकनीकी रूप से रेलवे बोर्ड इसको परीक्षण करके इसको वित्त विभाग में भेजेगा और वित्त विभाग पे फिर नीति आयोग में जाकर अल्टीमेटली कैबिनेट में जाएगी, क्योंकि 22,000 करोड़ का मामला है तो कैबिनेट में होगा। तो एक जो प्रारंभिक बात थी, जो तैयारी थी, वो हमारी पूरी हो गई और रेलवे ने सहमति दी है कि इसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है आने वाले समय में जब ये बन जाएगी तब हमारा
बम्बई से जो नियरेस्ट रूट रहेगा वो ये रहेगा, और उससे इंडो नॉर्थ और साउथ में भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो ये होगा कि हमारा इंदौर रेलवे स्टेशन अब मेन ट्रैक पे आ जाएगा, और इंदौर खंडवा का जो काम चल रहा है वो भी तेजी से चल रहा है, तो उसके दोनों कारण होने के बाद हम इंदौर अब जो एक वेस्टर्न रेलवे के एंड पे था अब वो मेन ट्रैक पे आ जाएगा। और अगर मेन ट्रैक पे आ जाता है तो आप मानिए कि लगभग 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेगी, तो कहीं ना कहीं आज के समय जो पूरे विश्व में एक बात आ रही है कि जहाँ लॉजिस्टिक बेहतर है और वहाँ इंडस्ट्रियाँ पनप रही है, तो शुरुआती में सबसे पहले जब हमने शुरुआती की थी तो हमने सबसे पहले इंदौर की कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाएं उसमें तीन महत्वपूर्ण बातें थी, एक तो रेलवे, दूसरा सड़क और तीसरा एयरपोर्ट, और तीनों पे काम चल रहा है। आपने देखा होगा कि सड़क में तो 5,500 करोड़ के काम इंदौर के आसपास चल रहे हैं जो कि 2024 या 2025 तक पूरे हो जाएंगे। एयरपोर्ट के मामले में भी आने वाले थोड़े दिन में मैं आपको अपडेट करूँगा कि क्या उसमें हो रहा है, उसकी भी बातचीत चल रही है और उसमें भी संभावना है कि आपको नेक्स्ट वीक तक हम कुछ बोल पाएंगे। और रेलवे की जो बात है, रेलवे में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो पिछले 2 सालों में नहीं मिला था वो इस बार बजट में भी प्रावधान मिला है और काम भी तेज़ी से चल रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि रेलवे बोर्ड ने इंदौर को बहुत ही कामों को बहुत इस संगीनता से लिया है कि उन्होंने एक चीफ इंजीनियर की ड्यूटी जो मिस्टर गुप्ता हैं जो पहले DRM थे इंदौर में, वो खुद उनको रखा है इंदौर के सब इंदौर के आसपास के जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए, और उसके साथ साथ एक इंजीनियर जो वरिष्ठ इंजीनियर है वो यहाँ लेते हैं साप्ताहिक रिपोर्ट, गुप्ता जी स्वयं 15 दिन में आते हैं, और जो रेलवे बोर्ड के DMR है और बोर्ड के जो हमारे जो वेस्टर्न जोन के जो अध्यक्ष हैं वो स्वयं इसको मॉनिटर कर रहे हैं। रेल मंत्री जी ने इंस्ट्रक्शन दिए कि जो हमारे इंदौर और इंदौर के आसपास जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस नक्शे में वो सब प्रोजेक्ट हैं जो हमारे इंदौर और इंदौर के आसपास चल रहे हैं, चाहे इंदौर देवास जो डबलिंग का काम बचा है वो भी दिसंबर तक होगा, इंदौर दावत वाला होगा, इंदौर बुधनी, इंदौर खंडवा का भी थोड़ा पोर्शन बचा है जो कि हमारा सनावत से लेके भीलवाड़ा पातालपनी से लेके भीलवाड़ा तक। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में इंदौर की जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी होगी और उसका जो फायदा होगा हमें इंदौर को मिलेगा। कि उस समय के लिए काम बंद था, वापस टेंडर हो गए और टेंडर होने के बाद अब काम तेजी से रहा है, टनल का दोनों तरफ मशीन लगी हुई है और काम तेजी से चल रहा है। कल भी जो रेलवे के अधिकारी बम्बई से आए थे वो आज साइट पे गए हैं, रेलवे के एक डायरेक्टर भी कल आने वाले हैं वो भी वहाँ साइट पे जाएंगे। अगले सप्ताह जब पार्लियामेंट हो जाएगी मैं और मेंबर इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग चीफ है पूरे देश के सोनकर जी वो और हम सामूहिक दौरा करेंगे और उस समय हम आपको भी लेके चलेंगे। उन्होंने शुरुआत कर दी, उनके ही प्रयास है, क्योंकि जैसे मैंने बताया सहमति बनी थी लेकिन किसी कारण से उस समय पोर्ट ट्रस्ट विड्रॉ हुआ और फिर रेलवे ने इस पर विचार नहीं किया, लेकिन जब हमको लगा जरूरी है और तो हम उसमें लगातार गए। मैं पिछली बार उस इसी सभी क्षेत्रों के सांसदों को और अब अगले सप्ताह फिर रेल मंत्री जी से समय लिया है, हमें सभी हम सांसद सामूहिक रूप से मिलने जाएंगे और उन्होंने समय दिया है हमें। ये प्रोजेक्ट होने के सहमत थे वो सभी। ये मुंबई इंदौर की डिस्टेंस कितनी कम हो जाएगी? 200 कुछ किलोमीटर कम होगा मुझे लगता है, 250 के आसपास लगभग ये है कम होगा ऐसा अंदाजे। लेकिन जब ये मेन ट्रैक पे आएगा तो हमारा इंदौर को सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा मेन ट्रैक पे से, कि सब मेन जंक्शन में जाएगा ना, सब गाड़ियां यहाँ से जाएगी तो अल्टीमेटली जो गाड़ियां आने वाली संभावना है इंदौर में ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां मिलेगी, माल का वहन यहाँ से होगा, साउथ की नॉर्थ होगी।